back to my channel and please excuse this face क्योंकि बाल नहीं कॉम किए हुए मैंने और बस मैं अभी आई हूँ और मैंने सोचा कि चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं. अच्छा तो बहुत दिनों बाद में से चिट चैट वाली मतलब बात करते हुए मेकअप में करने वाली हूँ एंड आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस बट हमेशा साउंड का प्रॉब्लम रहता है इस वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए सो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट. एंड नई नई लाइटिंग्स में ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं आप में से कहीं को नहीं पता तो मैं जयपुर हूँ अभी मेरी मम्मी के घर पे तो लाइटिंग की बड़ी परेशानी हो रही है इस वजह से ज़्यादा वीडियोज भी नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ बट Let me know in the comments if you like this lighting. Okay. आज मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ जैसे कि आपको टाइटल से पता लग गया होगा कि आज मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ हल्दी मेकअप या बोल सकते हो बाल मेकअप या वॉट एवर मेकअप मैं यहाँ पे करने वाली हूँ राजपूती स्टाइल से बट इफ यू आर नॉट राजपूत देन यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर तरीके से तब किसी के साथ में भी मेकअप लुक चला जाएगा अगर लहंगा पहन रहे हो साड़ी पहन रहे हो जो चाहे वो पहनो ये मेकअप लुक किसी भी लुक के साथ चला जाएगा क्योंकि यूजुअली हल्दी के अंदर येलो ही ड्रेस पहनी जाती है एंड मैं जो है यहाँ पे येलो लुक ही कर रही हूँ सो दैट्स व्हाई. तो अभी मैंने जो मेरी हल्दी के अंदर मेकअप किया था वो बहुत ही ज्यादा ग्लोई था एंड आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ मेकअप बहुत ग्लोई ग्लोई सा और बट मैंने आई मेकअप जो है बहुत ही सिंपल से किया था क्योंकि उस टाइम मुझे आई मेकअप इतना आता भी नहीं था और दूसरी बात मैं थोड़ा नहीं चाहती थी आई मेकअप के अंदर एक्सपेरिमेंट करना बट आज मैं मेरी प्लानिंग ये है कि मैं थोड़ा सा हैवी आई मेकअप करूँ तो देखते हैं कैसा रहता है बट अभी मेरी प्लानिंग यही है येलो एंड गोल्डन आई समथिंग लाइक दैट. ऑब्वियसली आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो बट बेस मेकअप जो मैं करने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा ग्लोई एंड बहुत अच्छा वाला करने वाली हूँ तो डोंट फॉरगेट कि आप लास्ट तक वो वीडियो देखें और जितना जितना आपको आपके अकॉर्डिंग लग रहा है उतना उतना आप पिक उठा लीजिए जो जो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे यूज करना चाहिए ये करना चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको यूज कर सकते हैं आपकी श्रद्धानुसार. ओके तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे अपना स्किन के रूटीन कर रखा है तो डोंट फॉरगेट आपका स्किन के रूटीन बहुत बहुत जरूरी. तो मैंने जो है यहाँ पे टोनर कर रखा है आई क्रीम लगा रखी है मिक्सीफाई का सीरम लगा रखा है और लगा रखी है ये निविया की क्रीम क्योंकि निविया तो विश्वसनीय है मेरी बहुत टाइम से मैं यूज करती हुई आ रही हूँ इसको सस्ती सुंदर एंड टिकाऊ बढ़िया वाली क्रीम है ये. सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे यूजुअली मैं प्राइमर से स्टार्ट करती हूँ बट आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिस मेबलिन की मास्टर क्रोम स्ट्रॉबिंग क्रीम. अब बात करते हैं प्राइमर की तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फेस प्राइमर मैट समथिंग लाइक दैट और ये है जो है फोटो फोकस प्राइमर है तो बेस्ट है क्योंकि फोटोज खींचने वाली है आपकी ऑब्वियसली सी बात है. I have this L'Oreal Infallible Foundation in the shade 106 Sun Beach. Okay, so मेरे foundation हो गया blend. अब मैं ले रही हूँ ये Maybelline का भी मेरा recent नया favorite shade 25 medium. एंड काफी अच्छा लगा मुझे ये. एंड देन आई एम यूजिंग अगेन माय करंट फेवरेट कॉम्पैक्ट. एक चीज के पीछे पड़ जाती हूँ उसको इतनी आसानी से छोड़ती नहीं हूँ जब तक कि मेरा अच्छे से उसका बनना पड़ जाए. तो दिस इज मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट इन द शेड 310 सन बीच एंड एकदम मेरे स्किन टोन से सूट करता है और काम भी बहुत बढ़िया करता है. दैट्स व्हाई आई लव दिस कॉम्पैक्ट. कंटूरिंग के लिए आई एम यूजिंग दिस. ओके तो मैंने मेरे ब्राउज कर लिए ऑफ कैमरा क्योंकि बहुत टाइम लगता है उनके अंदर और कुछ खास स्पेशल करना भी नहीं था. आई एम टेकिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन इन द शेड पर्ल सैंड पिंक और अगर आप कोई ब्लश ढूंढ रहे हैं स्पेसिफिक रीजन के लिए देन आई विल से गो फॉर दिस ब्लश. बहुत प्यारा सा सुंदर सा ब्लश है और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर शिमर पार्टिकल्स भी है जो कि फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है और कलर भी जो है ना इसका बहुत प्यारा है सभी स्किन टोन के ऊपर बहुत अच्छे से जाएगा तो यू कैन ट्राई दिस वन. अभी स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आई मेकअप एंड फॉर आई मेकअप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंसीलर से हमारी आई लिड्स को कंसील करने के लिए. इसलिए मैंने मेरे फेस को थोड़ा यूं कर लिया ताकि मेरी लिड्स सीधी रहे एंड क्योंकि मैं करने वाली हूँ कलरफुल आई मेकअप तो इसलिए मैं
पास में है यहाँ पे मॉर्फ का जेम्स चार्ल्स पैलेट। तो एज यू कैन सी कि बड़ा ही कलरफुल पैलेट है। सबसे पहले जो कलर मैं लेने वाली हूँ वो है ये ऑरेंज कलर, और इसको मैं अप्लाई कर लूंगी मेरी क्रीज में। ये होती है ये लाइन यहाँ। Then I'm taking this clean brush and जो भी यहाँ पे लाइन है ना बन रही, ये वाली साइड वाली यहाँ को मैं हल्का सा ब्लेंड कर लूंगी। आई एम गोना यूज दिस येलो। सिवाना का ग्लिटर आई शेडो पैलेट ये ले लेती हूँ, इसको मैं सिर्फ इनर कॉर्नर में लगाऊंगी। लगाने वाली हूँ दिस Maybelline का कॉलोसल लाइनर in the shade black, obviously. Okay, तो मैंने लगा लिया मेरा eyeliner और अब मैं लगाने वाली हूँ मेरा mascara. ये है Benefit का roller lash something something mascara. Ardell की Demi Wispies, इसके अंदर 5 सेट आता है, वो मैं आज नया वाला सेट यूज करने वाली हूँ। पूरा ग्लू मैं यूज करने वाली हूँ वो है मिस क्लेयर का आई लैश ग्लू इन डार्क टोन। काफी सस्ता सुंदर टिकाऊ एंड बढ़िया वाला लैश ग्लू है, बट मैं इसको अप्लाई करूंगी ऑफ कैमरा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरी बात इतना अच्छे से मिल जाता नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। सो फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस शुगर का बहुत ही प्यारी सी लिपस्टिक इन द शेड पिंक अलाउड, और ये बहुत प्यारी सी रेडिश पिंकिश रानी सबका प्यारा सा मिक्स कलर है। यहाँ पे खत्म हो गया मेरा मेकअप, मैं चेंज करने वाली हूँ मेरी ड्रेस एंड ज्वेलरी पहन के, एंड देन उसके बाद आपसे मिलती हूँ और देखती हूँ कि इस लुक जो है कैसा। ओके, तो यहाँ पे खत्म होती है ये वीडियो। आई लव हाउ दिस मेकअप टर्न्ड आउट, आई लव एवरीथिंग, एंड बहुत ही अच्छा मुझको ये पूरा लुक लग रहा है। और लाइटिंग कम होने की वजह से अभी इस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अच्छी लाइटिंग के अंदर मैं कुछ फुटेज जो है इसके अंदर इंक्लूड कर सकूँ। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करी होगी। इफ you find this video helpful, then don't forget to like this video, share this video with all your friends and families, and thank you so much for watching this video. Main aapko milti hu next video mein, tab tak ke liye come on Anisa.